Okay friends, our next question is question number 4. Define stabilization technique and drive cue point of fixed bias technique. हमें cue point drive करनी है fixed bias technique के लिए. Now what is stabilization technique? Whenever transistor is operated in a certain region, जो भी वो region में operate करता है उसका cue point disturb हो जाता है. Now what is cue point? Cue point is a point, we can say it is a stability point, जिस पर मेरा ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है. तो ड्यू टू सर्टेन लॉसेस और वी कैन से किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी नहीं होती, इस वजह से उसमें कुछ लॉसेस अकर होते हैं. तो स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने क्यू पॉइंट को थोड़ा सा स्टेबल रख सकते हैं. मीन्स जब भी वो किसी सर्किट में ऑपरेट करेगा तो सर्किट में ऑपरेट करने के लिए उसको अपने स्टेबलाइजेशन उसको अपने क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना होगा. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन टेक्निक, फिक्स बायस, कलेक्टेड टू बेस बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस. मैंने तीनों के डायग्राम्स यहाँ पे शो किए हुए हैं. तो फर्स्ट वन इज़ फिक्स बायस. तो फिक्स बायस सर्किट में क्या है, आर बी एंड आर सी आर कनेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर, वी बी इज़ वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, वी सी इज़ आउटपुट वोल्टेज. यहाँ पर ये जो भी कॉन्फिगरेशन बनाया हुआ है ये किसके लिए बनाया है, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट. सेकंड वन इज़ कलेक्टेड टू बेस बायस. कलेक्टेड टू बेस बायस में केवल यही डिफरेंस है कि फिक्स बायस में जो भी मेरा पॉइंट था वो रेजिस्टेंस को कवर करते हुए था, यहाँ पर वो पॉइंट कहाँ पर आ गया, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे आ गया. दिस इज ओनली द डिफरेंस इन कलेक्टेड टू बेस बायस. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वोल्टेज डिवाइडर बायस. वोल्टेज डिवाइडर बायस का कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से होगा. मीन्स यहाँ पर वी आर यूजिंग आर वन एंड आर टू एज अ रेजिस्टेंस, आर सी एंड आर ई वो जो मेरे कलेक्टर रेजिस्टेंस और एमिटर रेजिस्टेंस रहेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स. तो ये तीन टेक्निक्स हैं जिससे मैं अपने क्यू पॉइंट को क्या कर सकता हूँ, स्टेबल कर सकता हूँ. नाउ